मैं हूँ ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। आप हर आए दिन तरह तरह की खबरें देखते होंगे और सुनते भी होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाएंगे जिसको देखकर और सुनकर आप सभी भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ऐसा भी संभव है। बता दें कि एक शख्स पेट दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास गया, लेकिन जब डॉक्टर ने जांच के लिए उसका एक्सरे किया तो वो हैरान रह गए। दरअसल मरीज के पेट से एक मोबाइल फोन निकला। पता चला कि ये मोबाइल फोन आज से नहीं बल्कि करीब 6 महीने से मरीज के पेट में ही पड़ा हुआ था। तो चलिए आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा किस्सा क्या है। बता दें कि मिरर यूके की रिपोर्ट के मुताबिक एक 33 वर्षीय शख्स के पेट का ऑपरेशन मिस्र के आसवान यूनिवर्सिटी अस्पताल में हुआ, जहां डॉक्टरों ने उसके पेट से एक पूरा मोबाइल फोन निकालकर बाहर किया। ये मोबाइल उसके पेट में पिछले 6 महीने से था। हालांकि मरीज के पेट से मोबाइल फोन निकलेगा, डॉक्टरों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिलहाल ये नहीं पता चल पाया है कि मरीज ने मोबाइल को कैसे निगल लिया था, लेकिन उसे ये उम्मीद थी कि उसके पेट में फंसा मोबाइल स्वाभाविक रूप से निकल जाएगा, मगर दुर्भाग्य से यह उसके पेट में ही फंसा रहा। उसे खाने पीने में जब दिक्कत हो रही थी तो कुछ समय बीतने के बाद इसने जीवन के लिए खतरा पैदा कर दिया, जिसके चलते उसे तत्काल सर्जरी की आवश्यकता महसूस हुई। जब वह डॉक्टरों के पास गया तो उन्होंने पेट दर्द, आंतों और पेट में संक्रमण के लिए इलाज शुरू किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसके पेट में मोबाइल फोन है तो वे दंग रह गए। संयुक्त अरब अमीरात के मीडिया आउटलेट गल्फ टुडे के अनुसार आसवान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स के निदेशक मंडल के अध्यक्ष मोहम्मद अल दशहरी ने कहा कि उन्होंने पहली बार ऐसा मामला देखा है जिसमें एक मरीज ने एक पूरा मोबाइल नोकिया 3310 निगल लिया है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।